लेकिन हमें ये तो सोचना पड़ेगा कि अगर उदयपुर में कोई व्यक्ति की हत्या होती है, सीबीआई जांच भी हो जाती है, 1 करोड़ रुपए भी मिल जाते हैं और मुख्यमंत्री से लेके और उस घड़ी के ब्लॉक अध्यक्ष से लेकर मुख्यमंत्री तक उसके घर चले जाते हैं। स्कूल में छोटा सा झगड़ा होता है बच्चों, बच्चे सांप्रदायिक थोड़े होते हैं, बच्चा जो आपका हो हमारा हो, अल्पसंख्यक समुदाय का हो किसी भी जाति का हो, बच्चा मुझे नहीं लगता सांप्रदायिक हो सकता है। सांप्रदायिकता से हिंसा करते सब आप मान सकते हो, क्योंकि यहां लगभग आप पढ़े लिखे व्यक्तियां बैठे हैं, लेकिन स्थितियां क्या है। और जो समाज हम मन में चाहे कितने ही बड़ी बात कर ले, हम ये कर दें वो कर दें, लेकिन आप लोगों की और हमारी जो स्थितियां हैं देश के अंदर, विशेषकर इस राजस्थान में बड़ी बड़ी पीड़ा भी होती है इस चीज की, क्योंकि हम जिस रास्ते चलना है उस रास्ते में हम चल नहीं पा रहे। ऐसे मामले में कम से कम तमाम विचारधाराओं को छोड़ के, चाहे राजनीतिक विचारधारा हमारी अलग हो सकती है, लोकतांत्रिक देश है, ऐसे मामले में तमाम विचारधाराओं को छोड़ के और आज इस आंदोलन का नेतृत्व उन लोगों को करना चाहिए था जो बड़े बड़े सपना देखकर राजनीति के अंदर आगे बढ़ने के, जो समाज को सही दिशा में लेकर चलने की बात कर रहे हैं। अब हनुमान बेनीवाल जो ऐसा व्यक्ति, कई बार ये सोचते हैं कि इसके अंदर ट्वीट नहीं करें, कई बार ये सोचते हैं इसमें आंदोलन नहीं करें, कई तरह के ब्लेम्स लगेंगे, लेकिन फिर अंदर से क्योंकि संवेदनशील व्यक्ति है और बैठा भी नहीं रहा, आप सब जानते हैं हनुमान बेनीवाल के बारे में, पीड़ा चाहे किसी भी समाज की हो, हनुमान बेनीवाल वो व्यक्ति है जो हर समाज की किसी भी व्यक्ति की यदि पीड़ा होती है और जिसकी आंख में आंसू देखता है तो निश्चित रूप से अपनी संवेदनाएं उस परिवार के प्रति, उस घटना के प्रति हमेशा उन्होंने जाहिर की, और निश्चित रूप से अच्छे जनप्रतिनिधि का कर्तव्य भी है, हमारा राजधर्म है। हमको एहसान नहीं करें समाज पे कि हमें आए आंदोलन का हिस्सा बने, आप लोगों को न्याय दिलाएं। हम आज तेजा जी इस कौन प्रांगण में खड़े हैं, हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि आप सब लोग हमें आदर्श मानते हैं, आप सब एक चीज को मानते हो कि हमारे साथ जब भी अन्याय होगा और कोई आए या नहीं आए तो राजनीतिक रूप से हमें एक चालक की भूमिका में पूरे समाज को साथ लेकर चलने की बात करते हैं, वो लोग हमें न्याय जरूर दिलाना आएंगे। आज सबसे बड़ी बात, तो मैं सबसे बड़ा धन्यवाद हूं आप सब युवा साथियों को दूंगा कि दुख जो है अनिता चौधरी के परिवार को नहीं है, ये दुख प्रत्येक जागरूक समाज के हर व्यक्ति को होना चाहिए। यदि हम संवेदनशील नहीं रहे, संवेदनहीन हो गए समाज के अंदर, तो आने वाले दिनों में हमारे हालात क्या होंगे इसके बारे में आप सबको बहुत गहराई से सोचने की आवश्यकता है। ठीक है, हम लोकतांत्रिक तरीके से, हम भी नहीं चाहते कानून व्यवस्था बिगड़े, सही बात है, सभी समाज हमारा भी, बच्चे जो नई पीढ़ी जो हमारी तैयार हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं ये जरूर है कि हमारे नेताओं ने हमें लड़ना से बुला दिया, सड़क पे हम लड़ नहीं सकते, हम फेसबुकों पे सिर्फ एक दूसरी पार्टी की विचारधाराओं से लड़ते रहते हैं, जबकि हमें कहाँ लड़ना चाहिए, किस जगह हमारी लड़ाई की आवश्यकता है। मैं तो धन्यवाद होगा सरपंच साहब को, रेड को, आज दड़ी दौरी कौन है हमारा। आज मैं ये कह रहा हूं किसी घर पे जीवन हो ना तो भी 100 नेता जबरदस्ती उसके जीवन में आएंगे, क्या यहाँ उनकी ड्यूटी नहीं थी कि आगे आप लोगों के और इस परिवार के आंसू पहुंचने का प्रयास करें। ये चीजें आपको सोचने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। मैं भी इतना ही कहूंगा, अभी भी समय है, आप लोग समझ जो तो ना कोई पूछने वाला नहीं है, क्या मांगिया मांगने से मौत भी नहीं मिलती और रोने से कोई राज भी नहीं देता, ये आपने सब सुना है इन बातों को, तो हम भी मजबूत होंगे तब कहीं ना कहीं हमारी बातें भी मानी जाएगी। आज ये स्थिति हो गई, ये महिला यदि जाट समाज की नहीं होती, मैं बिल्कुल खरे शब्दों में कह रहा हूं, ये महिला यदि जाट समाज की नहीं होती तो करोड़ नहीं 5 करोड़ रुपए भी सरकार देती है और सीबीआई जांच भी होती और जो भी मांगे थी वो तो सारी बातें माननी पड़ती। लेकिन मैडम ने इस बात की है, इतना बड़ा समाज जो 22-23% होने का दावा हम लोग करते हैं, लेकिन आज स्थिति क्या हमारी किसी छिपी हुई है। और मैं तो धिक्कार उन लोगों को करता हूं जो प्रशासनिक अधिकारियों के रूप में हमारे समाज के लोग बैठे हैं और जो दोगली राजनीति करके जो ठेका लेके बैठे हैं, चाहे वो भले SHO हो, चाहे SP हो, चाहे DG IG किसी की जो भी हो, हम भी हमारे क्षेत्र में ऐसे लोगों से लड़ रहे हैं। हर व्यक्ति चाहता है बस मेरे बच्चे अच्छे रहे, मुझे अच्छी जगह पोस्टिंग मिल जाए, जहां बढ़िया मिठाई हो उसको हम जीमते रहे, कोई समाज से मतलब नहीं है।
जब व्यक्ति सक्षम हो जाता है, समाज को तभी आवश्यकता पड़ती है जब वो सक्षम हो जाता है। आज भी जब सक्षम नहीं होता तो समाज क्या दे सकता। आज हम सब खड़े, हम समाज को ये दे सकते, हमारा समय दे दें, आंदोलन के हम अंदर हम नारे लगा देंगे, लेकिन समाज को असली आवश्यकता है प्रशासनिक पदों पर बैठे उन लोगों की है जो आज समाज के नाम से बहुत ऊंचे पदों पर पहुंचे हैं। आज अच्छी अच्छी इनको फील्ड पोस्टिंग कमिश्नरेट में किसलिए मिलती है, उनको इनाम इसलिए मिलता है ऐसी यदि कोई घटना हो गई तो इन लोगों को यहाँ लगा हुआ ऐसे मामलों को रफा दफा करो। ये बड़ी विडंबना है इस प्रदेश के अंदर। तो मैं तो इतना निवेदन करूंगा आप सब लोगों से, आज आप मुझे पता बड़ी संख्या में आए हो और हनुमान जी का आदेश हुआ तो मैं आपको वहां जाना है जो भी। और मैं विशेष रूप से विचारधारा हमारी अलग हो सकती है, कुकरा जी भी पहले हमारे परिवार के सदस्य रहे लंबे समय तक, इनका मार्गदर्शक हमेशा हम लोगों को मिला। आपको ताजुब होगा ऐसा कोई जिला नहीं रहा। मुख्य जी ने जो बात करी है बड़ी गहरी बात की, आपको सोचने की आवश्यकता है कि हम प्रतापगढ़ में न्याय दिला के आ जाए, हम गंगानगर में न्याय दिला दें किसी पीड़ित को, उदयपुर में हम न्याय दिला दें, और मारवाड़ के अंदर हम एक जाट की बेटी को न्याय नहीं दिला पाए। ये हम सबके लिए डूब भरने की बात है। चाहे कितनी बड़ी बातें कर रहे हैं, आज स्थिति क्या है, स्थिति को सोचने की जरूरत है। आप बड़ी गहराई से इस बात का मंथन करना और युवा साथियों से विशेष अपील करूंगा, सोशल मीडिया पे लड़ने से कुछ नहीं होगा कि किस शेर ने क्या कहा, कौन सा शेर क्या बोल गया, उससे अपने को कोई मतलब नहीं है। अभी यहाँ जो है हम सिर्फ और सिर्फ अनिता चौधरी जी के परिवार को न्याय कैसे मिले, हमारी जो मांगे वो कैसे पूरी हो, और हमारे समाज का स्वाभिमान कैसे लौटे जो आज धरातल पर आ गया, इस चीज को बहुत बड़ी सोचने की आवश्यकता आप सबको। तो मैं आप सबसे निवेदन करूंगा विशेषकर युवा साथियों से, आंदोलन तभी सक्सेस होगा, आंदोलन का नेतृत्व तो अच्छा होता है, आंदोलन के लिए हम सब समय निकाल के ऊर्जा जरूर दें और अनुशासित तरीके से हमें जो आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। तो लोकतांत्रिक देश है, पुलिस हो सकता है नोटिस चस्पा करती है, पुलिस गोली थोड़ी मारी, जनरल डायर थोड़ी है, कोई अंग्रेजों का राज नहीं भाई, ऐसे लोगों को भी सबक सिखा देंगे। यदि प्रशासन ने हमारी बात ठीक से मानी तो ठीक है, मैंने जोधपुर और नागौर का जो हाईवे है ना इसमें हम दौड़ा भी देंगे इनको, चाहे पुलिस के अधिकारी हो सुन ले कान खोल के। यदि इस समाज के साथ ऐसी बदमाशी करने का प्रयास किया तो दिन में तारे भी दिखा देंगे हम प्रशासन को, इतना मादा मारा भी रखते हैं हम, सीधे भी बहुत हैं, और जब हमें लगता है कि सीधे घी अंगुली से घी नहीं निकलेगा तो हम अंगुली भी टेढ़ी करेंगे और घी को भी निकालेंगे। इतना मैं आपको भरोसा दिला के जाना चाहता हूँ। हम बड़ा फख्र करते हैं कि हम हनुमान बेनीवाल जैसे कैप्टन के नेतृत्व में सैनिक बन गए और आप सब लोगों की सेवा करने का हमें अवसर मिला, और उन्होंने एक ही चीज हमें सिखाई, सही तरीके से आगे बढ़ना और पीड़ित को न्याय दिलाना, जिसकी आंखों में आंसू उसके आंसू पहुंच के उसके चेहरे पर मुस्कान लाना। तो मैं इतना मेरे युवा साथियों से विशेषकर अपील करूंगा, यदि आप लोग, ये बहुत बड़ा मामला है, छोटा मामला नहीं है कि किसी की इस तरह से नरसंस हत्या कर दें, और बड़ी मजाक की बात है, कई लोग कहते हैं हम भी ऐसे कार्यक्रमों में जाते हैं कि साहब बॉडी खराब हुई है, अरे बॉडी तो खराब हो ही गई भाई, जिस बॉडी के छेते टुकड़े कर दिए क्या बचा आप बताओ। इन बातों की भी चिंता नहीं करनी, मैं तो इसके बेटे को वास्तव में मैंने सुना कि सही बात है कि वहां की लाश पड़ी हो और बेटा और पति हमारे सामने बैठे, फिर भी यदि बड़े लोगों का दिल नहीं पसीदे तो मैं कह रहा हूँ वो पत्थर दिल जो प्रशासकीय अधिकारी हो चाहे हमारे राजनेता हो, ऐसे परिस्थितियों के अंदर भी जिनका दिल नहीं पसीजा धिकार ऐसे लोगों में, चाहे वो राजनीतिक हो चाहे प्रशासकीय अधिकारी हो, हम अभी बात भी करेंगे एक बार और आगे जो भी रूपरेखा है, क्योंकि हम सही बात है हम भी चुनाव के अंदर आपको पता है पड़ोस में चुनाव है, पूरा सरकार चुनाव लड़ रही है और देश के तमाम जो नेता है वो सारे वहां आए हुए हैं, हम भी समय नहीं निकाल पाए, उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। यानी इतना भरोसा इस जोधपुर की धरा पे आपको देखे जा रहे हैं हनुमान बेनीवाल जी की तरफ से कि जब तक आपको न्याय नहीं मिलेगा, अभी हम बात भी करेंगे और यदि हम रूपरेखा बनाकर फिर इस आंदोलन को हाथ में लेंगे फिर आपको संघर्ष करने की ज्यादा आवश्यकता नहीं पड़ेगी, हम अपने आप संघर्ष भी करेंगे, इस परिवार को न्याय भी दिलाएंगे और पूरे समाज का उचित तरीके से मान सम्मान कैसे बढ़े वो सारी प्रक्रिया हम अपने आप करेंगे। मैं तो इतना ही निवेदन युवा साथियों से करूंगा, कानून को अपने हाथ में नहीं लेना और अनुशासित तरीके से, क्योंकि अनुशासन ही किसी भी आंदोलन की जो भूमिका सक्सेस की होती है उसके अंदर अनुशासन में बहुत बड़ा महत्व होता है। और एक ये जो है माइक ये अच्छे व्यक्तियों को हाथ में देना है, ध्यान रखना इस बारे में, बहुत सारे लोग आएंगे उल्टी सीधी बातें करेंगे, सोशल मीडिया का जमाना है, आज हमारे समाज की प्रतिष्ठा भी दांव पे है, कोई व्यक्ति और उसको मीडिया वाले ज्यादा हाईलाइट करते हैं, आप लोग देख रहे हो
क्योंकि ब्रेन स्टॉर्मिंग और नेगेटिव चीज से अपनी टीआरपी बढ़ाना, ये कई मीडियाओं का भी काम हो गया आजकल। नेगेटिव बात को, पॉजिटिव बात को नहीं छापेंगे, पॉजिटिव बात को अखबार और चैनल पर नहीं चलाएंगे। जरा सी भी नेगेटिव बात हो गई अपनी टीआरपी बढ़ाने के चक्कर में, और ऐसे सांप्रदायिक सद्भाव हमारा खत्म करने के लिए। हम तो वैसे ही लुटे पिटे हैं, कौन सी जाति हमारे साथ रही बताओ आप मुझे। ये सब इन्हीं लोगों की देन है और हमारे भ्रष्ट अधिकारियों की, जो सिर्फ पोस्टिंग के चक्कर में हमारे समाज के साथ धोखा करता है। ऐसे लोगों से हमें सावधान है, हमें डरना नहीं है। लोकतंत्र के अंदर डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। जितने सिर एक जगह इकट्ठे होते हैं समझो न्याय मिल गया। और आज बड़ी तादाद में युवा साथी आए तो निश्चित रूप से आप लोगों को न्याय भी मिलेगा। एक बार ये जो घटनाक्रम है इसको लेकर अभी जो रेलवे प्रशासनिक अधिकारी आए हैं तो एक बार उनसे बात भी कर लेते हैं, उनकी इच्छा क्या है। बाकी आगे की रूपरेखा भी हम तय करेंगे, और इस आंदोलन में आज हम यदि आ गए हैं तो निश्चित रूप से इस तेजाजी महाराज का बहुत बड़ा आशीर्वाद हमारे ऊपर है। और जिस प्रांगण में हम खड़े हैं, इस प्रांगण में तो लोग बहुत बड़ी मन्नतें लेकर आते हैं और उनकी मन्नतें पूरी होती है। इस पावन प्रांगण में अपना जो जो भी मकसद है उस मकसद में हम कामयाब कैसे हों, और इसमें हमें न्याय मिले, इसके अंदर हमें सक्सेस मिले, और उसके बाद भी मरुधरा के जो ये नौजवान खड़े हैं, मैं आपसे फिर निवेदन करूंगा कि सोशल मीडिया पे अपने लोगों के जो आपस में जो खींचतान आप लोग कर रहे हो इसको भी आप खत्म करो। मैं फिर हाथ जोड़ के आपसे निवेदन कर रहा हूँ, इन छोटी छोटी बातों से आज आप बंट गए, और बंट गए इसलिए देख लो ना हालात क्या हो रही है। 12-12, 13-13 दिन एक हमारी बेटी की लाश, टुकड़े टुकड़े हुई लाश पड़ी है। हमारी संवेदनशीलता कि हम ये परीक्षा ले रही है सरकार, इससे बड़ा विडंबना हो नहीं सकती। इस चीज को भी आपको सोचना है, क्योंकि आप पढ़ी लिखी जनरेशन है, आपके कंधों में आप ही निश्चित आगे करोगे आने वाले समय में कि हमारा समाज किस दिशा की ओर जाएगा। तो मैं इतना ही निवेदन आप सबसे करूंगा, संक्षिप्त में ये बात कह के मैं अपनी वाणी विराम दूंगा। हमें अनुशासित तरीके से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाना है, न्याय इस परिवार को दिलाएंगे जैसा ये कह रहे हैं वैसा दिलाएंगे। और कुछ भटके हुए लोग जो चाहे उनकी विचारधारा अलग हो सकती है, उनको भी समझाएंगे हम लोग कि भाई आखिर तुम्हें राज प्राप्त करने के लिए या जब तुम चुनाव लड़ते हो तो तुम्हें समाज याद आता है। लेकिन कायदा राजधर्म क्या है कि जब समाज को हमारी आवश्यकता पड़े, जब हमारी हमें समाज की आवश्यकता पड़ती है तब तो हम पांव पकड़ लेते हैं, तब हम हाथ जोड़ लेते हैं। लेकिन समाज को हमारी आवश्यकता जब भी पड़े तब हम ईमानदारी से बिना कोई भेदभाव के, बिना कोई वैचारिक मतभेद के हम आप लोगों की मदद के लिए हमेशा तत्पर है। यही राजधर्म में हमें सिखाया। मैं एक बार आप सबको और विशेषकर युवा साथियों को दिल की गहराई से धन्यवाद देना चाहूंगा कि आज इस दुख की घड़ी में अनिता चौधरी जी को आप न्याय दिलाने और इसके परिवार को पूरा आप संबल देने के लिए जो यहाँ इकट्ठे हुए हैं, ये बहुत बड़ी ताकत हमारी है। और लोकतंत्र के अंदर यही ताकत जो है ये समाज को बहुत आगे तक लेके जाएगी। मैं एक बार यदि प्रशासनिक अधिकारी कोई आए हैं एक बार उनसे बात कर लेंगे, और जो भी और यदि प्रशासनिक अधिकारी कोई खड़े हैं और मेरी आवाज सुन रहे हैं तो कान खोल के सुन भी लें। ये पवित्र धरती है तेजाजी महाराज जी, और यहाँ ऐसे नोटिस चस्पा करके आप ये जो एक उल्टी जो रस्म जो चला रहे हो ये कहीं ना कहीं घातक भी सिद्ध हो सकती है। क्योंकि तेजाजी हमारे आदर्श हैं, तेजाजी के आदर्शों को हम आने वाली पीढ़ी के अंदर स्थापित करना चाहते हैं। और यहाँ यदि आपने कोई गलत काम किया तो सिकर का जाट हॉस्टल याद कर लेना। सिकर जाट हॉस्टल में एक बार पुलिस घुसी थी, उसके बाद पता नहीं चला आपको सब ध्यान है कि क्या मामला हुआ। ऐसा हम चाहते भी नहीं है कि ऐसा प्रशासनिक और हमारे बीच कोई टकराव हो, लेकिन हमारी अस्मिता पे, हमारे आदर्शों पे और हमारे स्वाभिमान पे यदि आंच आ गई तो फिर जिंदा रहना भी बेकार है। फिर क्या कर लेंगे आप बताओ। इतना बड़ा हमारा समाज है और छोटी छोटी बातों के लिए और ऐसे सही न्याय मांगने के लिए भी हमें इतना संघर्ष करना पड़े, इसका मतलब आज हमारी स्थिति क्या है इस बारे में भी आप लोग गौर करना। क्योंकि मरुदर जो है ये मारवाड़ पे सारी निगाह टिकी हुई देश और प्रदेश की, कि कोई सशक्त नेतृत्व यदि कोई किसान कौम का आएगा तो कभी ना कभी मारवाड़ की धरती से आएगा। इसलिए ये आपसे खींचतान को छोड़ो, और अभी भी समय है, तुम लोग समझ जाओ। खाली सोशल मीडिया के शेयर बढ़ने से कुछ नहीं होगा, खुद ईमानदारी से आगे बढ़े, अच्छे व्यक्ति के साथ चले, अच्छी पॉजिटिव चीजें जो है वो सोशल मीडिया में आगे बढ़ाएं। ऐसा कोई मामला यदि होता हो तो इसके अंदर सारी वैचारिक मतभेद को भुला के और एक छत के नीचे आके, एक नेतृत्व के नीचे आके और उस परिवार को न्याय दिलाने का प्रयास करें, तभी हमारा समाज आगे बढ़ेगा। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा।
सब समाज के लोगों को जो अमिता जी को न्याय दिलाना है। धन्यवाद। सोशल मीडिया पे स्क्रोलिंग से थोड़ा कुछ ज्यादा करना चाहते हो तो MIMS का सर्टिफिकेट कोर्स इन कंटेंट राइटिंग है आपके लिए परफेक्ट। यहाँ सीखो कैसे लिखने का टैलेंट बनाए तुम्हें कंटेंट क्रिएटर प्रो, ब्लॉग्स, आर्टिकल्स या सोशल मीडिया कैप्शंस, सब कुछ लिखना आसान हो जाएगा। प्रोफेशनल राइटर से ट्रिप्स लो, क्रिएटिव लिखना सीखो और अपने पैशन को करियर में बदलो। तो देर मत करो, एनरोल करो अभी सर्टिफिकेट कोर्स इन कॉन्टेंट राइटिंग में और अपने आइडियाज को करो वायरल।